हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और इसी व्याख्या के साथ 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को हर प्रश्न के नीचे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा 40 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा करंट अफेयर का, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उसका हम रिवीजन करेंगे। और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप सभी की तैयारी बेहतर हो सके। और आज एक प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 6 रहेगा, ये हमारे भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा जी के लिए है, जिनमें इनकी मृत्यु से लेकर जन्म और इनको जो है भारत का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड कब मिला था, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इतनी वीडियो को सॉल्व करने में हमें 30 मिनट कम से कम लग जाएगा, जिसमें हम 70 से 80 क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 11 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किससे है? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? तो यह हान कांग को दिया गया है। ये कहाँ की लेखिका हैं? तो यह दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, और दक्षिण कोरिया की पहली महिला ये बन गई हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। तो इनका नाम है हान कांग। अगर बात करते हैं इनकी दो पुस्तक आप सभी को याद रखना है। पहली पुस्तक का नाम है द वाइट बुक और दूसरी पुस्तक है इनकी द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अगर पूछे किस पुस्तक के लिए मिला था, तो द वेजिटेरियन के लिए मिला था। ठीक है, तो साथ में याद रख लेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो हान कांग जी को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। वहीं अगर बात करते हैं कि एशिया में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1913 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें विश्व में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्व में पूछे 1901 में दिया गया था सुली प्राउड होम को। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि 2024 में जो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके लिए ट्रिक आप सभी याद रखेंगे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। इसमें जो है जंप से हो जाएगा जॉन जंपर, हंस से हो जाएगा डेविस हंसविस, और इसके बाद हो जाएगा बकरा से हो जाएगा डेविड बेकर। तो डेविड बेकर, डेविस हंसविस और जॉन जंपर, इन सभी को जो है किसके लिए मिला था, तो प्रोटीन किसने खाया, बकरा ने, तो प्रोटीन निर्माण के लिए मिला था। तो प्रोटीन निर्माण के लिए जॉन इनको मिला था, डेविड बेकर जी को, और इसके बाद हंसविस और जॉन जंपर को जो है एआई द्वारा प्रोटीन संरचना के लिए, इसकी खोज के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक याद रखेंगे, फील्ड में मशीन हिंट मारती है। तो फील्ड से हो जाएगा हॉफ फील्ड, और इसके बाद हो जाएगा हिंट से हो जाएगा जेफरी ई हिंटन। इन दोनों को जो है किसके लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो मशीन के लिए, यानी मशीन लर्निंग के लिए फील्ड को और हिंटन को भौतिक नोबेल पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है। चिकित्सा का देख लेते हैं, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, गोरी बॉस मेडिसिन नहीं लेती है। तो गोरी से हो जाएगा गैरी रुकमन और बॉस से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज। ठीक है, मेडिसिन नहीं लेती है, यानी ना यानी मेडिसिन नहीं लेती है, तो किसके लिए मिला है, आरएनए के लिए मिला है। किसके लिए, तो माइक्रो आरएनए के लिए 2024 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को मिला है। ये दोनों कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। नेक्स्ट अब हम ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की सहायता से सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाया जाएगा, और यह मिशन नासा ने शुरू किया है स्पेस एक्स की हेल्प से। हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने विडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण
की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस है। ब्रह्मोस को अगर पूछे किसने बनाया है, तो ब्रह्मोस को भारत और BR होता है ना, तो R से हो जाएगा रूस, तो ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर यह एरोस्पेस कंपनी बनाया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास इस बार समर 8 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इस बार समर 8 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इस बार 8 इस बार जो है क्या है, इस समर है, इब समर क्या है, एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन इस बार 8वें क्रम का है, और कहाँ पर किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसमें जो है 3 देश शामिल हैं, आई से हो जाएगा इंडिया, बी से हो जाएगा ब्राज़ील और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये 3 देशों का एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। और इसमें जो यम लिखा है, इसमें यम का मतलब हो जाता है मेराइन, मतलब होता है समुद्र, ठीक है, तो समुद्री अभ्यास है, यानी नौसेना का अभ्यास है। तो इस इब्स समर में जो है 3 देश शामिल हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, और यह एक मेराइन समुद्री अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया है, ठीक है, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड, राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा जी। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। और इसके बाद जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है दक्षिण अफ्रीका का, उसे केप ऑफ गुड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 का जो है भारत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो तमिलनाडु के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 30 सितंबर को मनाया गया है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाओस में। आप सभी को पता है कि पीएम मोदी जी कहाँ गए हैं, लाओस में गए हैं। पहले देखते हैं फालाम ये क्या है, तो ये रामायण है, ठीक है, ये कहाँ का रामायण है, तो ये लाओस का रामायण है। जैसे हमारे यहाँ पे रामायण होता है, वैसे जो लाओस है वहाँ पे रामायण को क्या बोलते हैं, फालाम बोलते हैं। अभी जो है मोदी जी जो है कहाँ गए हैं, जो एशियन बैठक हो रही है, किस क्रम की, 44वें क्रम की एशियन बैठक हो रही है, और भारत और एशिया की जो बैठक हो रही है यह 21वें क्रम की है, और बाकी जो ईस्ट एशिया समिट हो रही है ये 8वें क्रम की है, ठीक है। तो ये एशियन वाला किस क्रम की है, 44वें क्रम की है, और भारत एशियन की जो बैठक है यह 21वें क्रम की है, और जो एशियन ईस्ट समिट है ये 8वें क्रम की है। तो ये तीनों बैठक एक ही साथ कहाँ पे हो रही है, लाओस में हो रही है, और यहीं पर जो है एक प्रदर्शनी शुरू की गई है, जिसका जो रामायण के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं फालाक और फालाम कहते हैं, जिसमें यह फेस्टिवल अगर पूछे किसको डेडिकेट है, तो भगवान राम जी को और भगवान लक्ष्मण जी को यह मतलब डेडिकेट किया गया है। जैसे इसमें जो फालाम है, फालाम इसमें जो है किसको संबंधित किया जाता है इससे, तो यह भगवान राम को कहा जाता है, और जो फालाक होता है इसे भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित है। तो देखिए यहाँ पे ला से हो जाएगा लक्ष्मण और माँ से हो जाएगा रामम, ठीक है, तो ये दोनों शब्द आप याद कर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बैठक कहाँ पे हो रही है, ये इन सभी संगठनों की बैठक लाओस में हो रहा है, और यहीं पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसे फालाक और फालाम कहते हैं, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है। तो मोदी जी कहाँ गए हैं, लाओस में गए हैं। हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। किसे हराकर, तो भारत ने इसमें मलेशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 9th क्रम की जो जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है, तो यह बंदर सेरी बागवान में हुई है, जो कि ब्रुनोई की राजधानी है। इसमें भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता है, जिसमें अगर बात करते हैं कि दोनों गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, एक तो जीता गया आर्यन के द्वारा और दूसरा जीता गया है सौर्य जी के द्वारा, ठीक है, तो ये दोनों गोल्ड जिसके द्वारा जीता गया है, तो नाम आप याद रखेंगे। तो भारत ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने इसमें टोटल 7 पदक जीते हैं, किसमें, 9th क्रम का जो जूनियर वुशु चैंपियनशिप हो रहा है इसमें।
हाल ही में दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो है अन्य प्रदेशों में घुमाना, इसके लिए जो तेलंगाना सरकार ने दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र का पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। अगर बात करें कि पहली बार जो है बिजली से जो है कोयला से जो बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो वह ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई है, और सबसे पहले जो है इस प्रक्रिया को बंद किसने कर दिया है? तो ब्रिटेन ने ही बंद कर दिया है, यानी कि अब कोयला से बिजली उत्पादित नहीं करेगा। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पहली बार है, याद रखेंगे। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन पूछे कहाँ पे किया गया था? तो अस्ताना में किया गया था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है, जिसमें भारतीय महिला टीम ने जापान से हार कर ब्रोंज मेडल जीता है और पहली बार जीता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है, और इसमें जापान से हार कर जीता है। वहीं अगर पूछे कि भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है, इसमें चीन से हार कर जीता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो भारतीय महिला टीम वाला, क्योंकि पहली बार कोई मेडल इसमें जीता है। अगर बात करते हैं जो अस्ताना है, कजाकिस्तान की राजधानी, यहीं पर एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो अस्ताना में किया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछे कौन सा है? तो वह कजाकिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंकुश सचदेवा जी को मिला है। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो यह फिनलैंड में स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। और वहीं पूछे कि जो पर्यटन क्रूज यानी कि जो जहाज रानी मंत्री हैं कौन है? तो सर्वानंद सोनीवाल जी हैं। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जी बन गए हैं। पांचवा प्रश्न है, इसके बाद हम देखेंगे रतन टाटा जी के ऊपर पूरी क्वेश्चन। हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो लूपेक्स जो है किसके सहयोग से लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा जापान की सहायता से। इसकी अगर व्याख्या देखें तो LUPEX, इसको जो है अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत की तरफ से इसरो और जापान की तरफ से जाक्सा मिलकर जो है क्या करेंगे, लूपेक्स मिशन को भेजने वाले हैं। ठीक है, तो इसरो जो है ये हमारे भारत का हो जाएगा, और जाक्सा जो है कहाँ का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। और इस लूपेक्स का उद्देश्य क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण, यानी का जो चांद का ध्रुवीय है उस पर जो है खोज करने के लिए लूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा के द्वारा भेजा जाएगा, जिसमें जो लैंडर है और जो रोवर है। तो जो लैंडर यानी कि जो चांद के पोल पर लैंड करने वाला है उसको कहते हैं लैंडर, और जो लैंड करने के बाद जो आगे की शोध करेगा उसको क्या कहते हैं, उसको रोवर कहते हैं। तो लैंडर का निर्माण इसरो करने वाला है, और जो रोवर है इसका निर्माण जाक्सा करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारे भारत के द्वारा जो है पहली बार जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, तो यह भेजा गया था PSLV C-11 से भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2011 में। इसके बाद भेजा जाता है चंद्रयान थर्ड, जो कि चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। ठीक है, तो चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से भेजा गया था? तो रॉकेट का नाम आप सब याद रखेंगे, LVM3 M4 रॉकेट से चांद के लिए चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और चांद के साउथ पोल पर। ठीक है, तो चांद के साउथ पोल पर अगर पूछे कब लैंड किया था, तो चंद्रयान थर्ड 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। और जो इसमें विक्रम लगा था, जो इसमें लैंडर लगा था उसका क्या नाम था? विक्रम। और जो रोवर लगा था उसका नाम था प्रज्ञान, याद रखेंगे। इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो अपना भारत बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 2 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन जी हैं।
हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र में किया है। देसी गाय को राज्य माता का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। आ गए हमारे जो प्रश्न, हम काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, इसको पूरी व्याख्या के साथ देखते हैं। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने, तो टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे रतन टाटा जी, तो ये बने थे 1991 में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इनके बारे में पूरी व्याख्या देखें, लीजेंड रतन टाटा जी, इनका जन्म कब हुआ था, तो 27 सितंबर 1937 को हुआ था, और इनका निधन यानी इनका स्वर्गवास हुआ था 9 अक्टूबर 2024 को, और किस हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, जो कि इनका खुद का हॉस्पिटल था, और ये 86 वर्ष की आयु में अपनी धरती माँ की गोद में सदा के लिए सो गए हैं, लेकिन ये हमारे दिलों में अपनी भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ और अपने दानवीरता के कारण जो है ये हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं, तो एक दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया था, यानी जो भी सरकारी कामकाज होंगे, जो भी कल्चरल अभियान होंगे, उसको जो है स्थगित रूप से बंद कर दिया गया था एक दिन के लिए, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो भी सरकारी दफ्तर थे उस पर तिरंगे झंडे को आधा झुका दिया गया था। अगर वहीं बात करें तो 86 वर्ष में इन्होंने हमको छोड़ दिया। वहीं 1991 की बात करें तो टाटा संस के रतन टाटा जी चेयरमैन बनाए जाते हैं। 2012 में जो है ये टाटा संस के चेयरमैन पद से रिटायर हो जाते हैं और ये मानद अध्यक्ष बन जाते हैं। यहीं पे बात करते हैं कि 1998 में, कब 1998 में इन्होंने जब अपनी एक कार कंपनी का निर्माण किया था जिसका नाम था इंडिको, ठीक है, क्या नाम था, इंडिको नाम था। ये अच्छी तरह से भारत में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, तो इसको बेचने के लिए 1998 में रतन टाटा जी कहाँ पे जाते हैं, USA में जाते हैं, यानी अमेरिका जाते हैं, और ये वहाँ पे जाने के बाद ये बिलफोर्ड से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि रतन टाटा जी बोलते हैं कि आप ये जो हमारी इंडिका कंपनी है इसको आप ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो बिलफोर्ड इनको रिप्लाई क्या करता है कि मैं आपकी कंपनी को ख़रीद लूँगा, लेकिन जब आपको कार बनाने की तजुर्बा नहीं था, आपको इसमें कोई अनुभव नहीं था, तो आपने बनाना ही शुरू क्यों किया, और ये मैं आपका ख़रीद करके, जो ये आपकी कंपनी है ये मैं आपको ख़रीद करके आपके ऊपर एहसान करूँगा। ये बात जो है रतन टाटा जी को लग गई, इन्होंने अपनी कंपनी को बेचने से मना कर दिया। फिर इसके बाद लौट कर वापस आते हैं, अपनी कंपनी पर फोकस करते हैं, और इसके बाद 2008 में क्या होता है कि जो बिलफोर्ड की खुद की दो कंपनियां हुआ करती थी जिसका नाम है जगुआर और लैंड रोवर, इन दोनों ही कंपनियों को किसने ख़रीद लिया, टाटा जी ने ख़रीद लिया, ठीक है। कब ख़रीदा था, 2008 में ख़रीद लिया था, और बिलफोर्ड ने क्या कहा कि सर अगर आप ये दोनों मेरी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं इसको ख़रीद लेंगे तो आप मुझ पर ही एहसान करेंगे, तो ये खुद अपनी ही भाषा इन्होंने बोली थी, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों कंपनियों को टाटा जी ने ख़रीद लिया, कब, 2008 में। इसी दौरान इन्हें 2008 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जाता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की के लिए, मतलब ये प्रस्ताव भेजा गया है कि टाटा जी को भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। असम वैभव पुरस्कार से भी रतन जी सम्मानित हो चुके हैं, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान है। इनकी एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, जिससे आप सभी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इन्होंने क्या कहा था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कभी दुख तो कभी सुख ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECG में, यानी जो जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर लेट जाता है तो उसके साथ जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो उसके बगल में जो ECG लगा होता है, यानी कि जो उस पर इस तरह की कुछ रेखाएँ ऐसे करी जाती हैं, उसे ही बोलते हैं ECG। ECG में अगर सीधी रेखा हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। तो उसी तरह कहा है कि अगर ECG में जो रेखा है सीधी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हम जीवित नहीं हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी सीधी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम एक तरह नहीं रहना चाहते, हमें जो है कभी दुख मिले तो ही अच्छा है, सुख मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि इससे जो है समाज में और देश दुनिया में अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति भावनाएं जो हैं उतार चढ़ाव से ही देखी जा सकती हैं, जो कि हमारे रतन जी में बखूबी इनके अंदर ये बातें थी, और इन्होंने इसी भावनाओं के साथ देखते हुए लोगों के साथ जो है बहुत सारे शुभ कार्य किए हैं।
तो इनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शांति प्रदान करें और इन्हें जल्द ही हमें भारत जैसे महान देश में किसी न किसी रूप में दोबारा भेजें। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने लल्लन टॉप प्रश्न पर। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो यह मुंबई में आयोजित हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो G4 संगठन में 4 देश शामिल हैं, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। इन्होंने कहाँ सुधार की बात करी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करी है, जिसमें टोटल 15 देश हैं और इस 15 देश में जो 5 देश हैं वो अस्थाई हैं, जिसमें USA, चीन, रूस और फ्रांस और इसके बाद ब्रिटेन, बीफॉर ब्रिटेन, ये 5 देश इसमें शामिल हैं। जिसमें यह कहा गया है कि जो ये 5 देश हैं इनको अस्थाई रूप से जो इसमें अस्थाई दिया गया है इसमें हमें भी शामिल किया जाए। तो ये 5 देश ही, ये 4 देश खुद को किसमें शामिल करना चाहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। बाकी के जो 10 देश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए और ये अस्थाई चुने जाते हैं। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद खनिज सुरक्षा नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो खनिज सुरक्षा नेटवर्क को अगर पूछे लीड कौन करता है तो USA लीड करता है, जिसमें अभी एशिया के 3 देश शामिल हुए हैं, एक तो जापान, दूसरा कोरिया और तीसरा भारत। अब कोरिया का मतलब नॉर्थ कोरिया नहीं, आप सभी दक्षिण कोरिया अनुमान लगाएंगे। हाल ही में क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य या इसकी थीम रखी गई है। पहली बार जो है यह मनाने की प्रक्रिया 1992 में शुरू करी जाती है। इसी को देखते हुए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की उपलक्षता में जो है WHO के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत करी जाती है, जिसे कहते हैं सेरो केयर कार्यक्रम। तो किसने शुरू करा है? WHO ने। वहीं 2 और दिवस याद रखेंगे, एक तो विश्व दृष्टि दिवस और दूसरा राष्ट्रीय डाक दिवस। ये दोनों दिवस अगर पूछे कब मनाए जाते हैं तो ये दोनों दिवस भी 10 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। तो 3 दिवस 10 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7% का अनुमान लगाया है। किसने? ADB ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया गया है। और इतनी ही जो है वृद्धि का अनुमान जो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यही अनुमान लगाया गया है, और यही अनुमान जो है विश्व बैंक के द्वारा भी लगाया गया है। इन दोनों का मुख्यालय जो है कहाँ पे? Washington DC में, जबकि ADB का मुख्यालय मनीला में है। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। जो हमारे गर्मियों के समय में यानी मई, जून, जुलाई में जो हीट वेव यानी जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू बोलते हैं, और इसी लू को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में। यह एक प्रकार की बैटरी है जिसका प्रयोग जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उसमें किया जाएगा, और जो अंतरिक्ष में मिशन भेजे जाते हैं उसमें किया जाएगा। तो यह एक प्रकार की बैटरी है। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के कारण जो है माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई बढ़ रही है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित होगा? तो पहला चरण आयोजित होगा सिक्किम में, और दूसरा चरण कहाँ पे? तो नई दिल्ली में होगा। तो पहला वाला कहाँ? सिक्किम में। इसकी व्याख्या देखें तो 2024 के दूसरा सेना कमांडर का पहला सम्मेलन अगर पूछे कहाँ पे आयोजित हो रहा है तो यह 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसका पहला सम्मेलन गंगटोक सिक्किम में और दूसरा दिल्ली में होगा। और इसका आयोजन जो किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य है। हाल में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो काठमांडू नेपाल में किया गया था, नहीं सॉरी थिम्पू में किया गया था। कहाँ पर? तो थिम्पू में किया गया था, जो कि भूटान की राजधानी है। ठीक है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो राजश्री बिड़ला जी को मिला है। हाल ही में चर्चा में रहे रोस हसनाह का संबंध किससे है? तो यह फेस्टिवल यहूदी धर्म के द्वारा मनाया जाता है।
हाल ही में मध्य पूर्व पर संकट पर चर्चा करने के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो G7 2024 की बैठक अभी कुछ महीनों पहले इटली में हुई थी। इटली के किस शहर में? तो पुगालिया शहर में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है मध्य पूर्व संकट है, यानी जो इजराइल लेबनान इराक के बीच जो संकट है, उसको देखते हुए एक बार फिर से इटली ने G7 देशों की बैठक बुला ली है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय कौशल संस्थान का शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो मोदी जी ने किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। और ये भारतीय कौशल संस्थान है, इसका निर्माण किस मॉडल पर किया जाएगा? तो PPP मॉडल पर किया जाएगा। फी फॉर पब्लिक, फी फॉर प्राइवेट, फी फॉर पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। जिसके लिए इसमें अगर पब्लिक की बात करें तो इसमें भारत सरकार की तरफ से कौशल विकास मंत्रालय ने भाग लिया है, मतलब शामिल होगा। और प्राइवेट की तरफ से अगर पूछे कौन इसमें शामिल होगा तो हमारे द लीजेंड रतन टाटा जी की कंपनी टाटा कंपनी इसमें भाग लेने वाली है। तो इन दोनों कंपनियों के सहयोग से ही भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण, संस्थान की स्थापना PM मोदी जी के द्वारा मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटारेस को किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसराइल ने ऐसा किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अगर पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो एंटोनिया गुटारेस है। ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन UAE में हुआ है। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्म को GI टैग मिला है? तो ये दोनों प्रोडक्ट असम के हैं। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अन्न पोर्टल दर्पण किसने लॉन्च किया? अन्न मतलब अनाज हो जाएगा, अनाज क्या होता है? खाने के योग्य होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, इसने अन्न दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर करना, इसका उद्देश्य है। अगर वहीं पूछे कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुआ था। हाँ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और ये किसके अधीन कार्य करता है? तो भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा कार्य करता है और इसी के अधीन यह कार्य करता है। और इसके मंत्री कौन है? तो पहला जोशी जी हैं। एक सेकेंड, तो आप सभी ये प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।